नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली में लागू हुए ऑड-इवन नियम की, जो कि दिल्ली में 4 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि जिस भी गाड़ी के नंबर में आखिरी डिजिट होंगे 2, 4, 6, 8, 10, वो गाड़ियाँ इवन डेट में उतरेंगी। और इसी के साथ ही जिन भी गाड़ियों के नंबर 1, 3, 5, 7, 9 होंगे, वो ऑड दिनों के अंदर उतरेंगी। तो इसी के साथ इस नियम के तहत केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को और बच्चों को छूट दी है। साथ ही इस नियम में दो पहिया वाहनों को भी छूट दी गई है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा कि इस नियम में महिलाओं को और बच्चों को जो छूट दी गई है, साथ ही दो पहिया वाहन वालों को जो छूट दी गई है, वो किस हद तक सही है। तो चलिए इसी मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। ऑड-इवन लागू हुआ है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, जो लागू हुआ है ये गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला लिया है, और इससे जो पोल्यूशन बढ़ रहा है इसमें भी रुकावट आएगी, और जो ट्रैफिक जो जाम होता है, जो ऑफिस बंदे जाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ जो बेनिफिट मिलेगा, यानी फ़ायदा मिलेगा। जो ऑड-इवन लागू हुआ है उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये केजरीवाल सरकार का एक अच्छा कदम है, या आपके हिसाब से ये सिर्फ ऐसे ही है, काम चलाऊ 15 दिन के लिए लागू किया गया नियम? मैंने आज टीवी में जैसे देखा था ये ऑड-इवन का ये आज लागू हुआ है, मैम मेरे हिसाब से तो ये चीज़ गलत है मैम, क्योंकि ना मैम देखा जाए तो पब्लिक जा रही है। आज कुछ दिनों के लिए ऑड-इवन होता है, कुछ दिनों के लिए इवन होता है, तो जैसे कि मैम देखा जाए ये चीज़ सही नहीं है केजरीवाल सरकार, और कुछ देखा जाए तो सही भी है। ये जैसे मैम वहाँ जलाया गया, पॉल्यूशन हो रहा है, इससे पॉल्यूशन थोड़ा कंट्रोल होगा, है ना मैम? और दो चार चीज़ें सही रहती है बस, बाकी मैम काफ़ी अच्छी बात है कि मतलब केजरीवाल ने गर्ल्स को छूट दी गई है, जिससे कि गर्ल्स को एक मोटिवेट मिल रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे गर्ल्स पहले के टाइम पे निकलती नहीं थी, बट अब यह है कि अब सारी गर्ल्स निकलती हैं और एक हौसला मिलता है, और उसमें बच्चों को भी एक मोटिवेट मिलता है। तो लोगों का कहना है, महिलाओं का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को छूट देकर एक अच्छा कदम उठाया है। चलिए इसी को लेकर और लोगों से उनकी राय जानते हैं कि क्या ये कदम कितना सही है, ऑड-इवन को लागू करके दिल्ली को कितना प्रदूषण फ्री बनाया जा सकता है। हाल ही में जो ये ऑड-इवन लागू हुआ है, इसको लेकर आपकी राय क्या है? और साथ ही इस ऑड-इवन में महिलाओं को छूट दी गई है, साथ ही जो दो पहिया वाहन से लोग चल रहे हैं उनको भी इस दायरे से हटाया गया है। तो आपका क्या कहना है कि किस हद तक महिलाओं को इस दायरे से हटाना, दो पहिया वाहनों को इसमें ना इंक्लूड करना, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक बात है ऑड-इवन की, उससे अगर पॉल्यूशन कम होता है एक्चुअली में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 डेज के लिए है और इसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। और जहाँ तक बात है लेडीज़ को और टू व्हीलर्स को इन्वॉल्व ना करने की, तो ये बायसनेस नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जो अगर घर से निकल रहा है, वो काम से ही निकल रहा है, तो वो मेल हो या फीमेल हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पॉल्यूशन उसकी गाड़ी से भी निकलेगा, मेरी गाड़ी से भी निकलेगा, तो ये कॉमन होना चाहिए सबके लिए। तो ये हाल ही में जो ऑड-इवन लागू हुआ है उसको लेकर आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि ऑड-इवन पहले भी कई बार हो चुके हैं, पहले भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन ऑड-इवन से पहले भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और 15 दिन के अंदर क्या फ़ायदा होगा ये हमारी समझ से बाहर है। और फिर ये है कि इसमें महिलाओं को और बच्चों को छूट दी गई है, तो ड्यूटी नौकरियों पे तो सभी लोग जा रहे हैं, दिक्कत तो सबको ही होती है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऑड-इवन से मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऑड-इवन के बारे में ये कि 4 to 15 नवंबर इट विल स्टार्ट, तो जो भी सरकार है अच्छा ही सोच रही है ऑफकोर्स। सो जहाँ भी पॉल्यूशन कम होने की संभावना है, वहाँ पर जहाँ तक हम अपने आप को कोशिश कर सकते हैं वो बढ़िया ही है कि कम हो, और जो भी इनके हाथ में वो करें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज पॉल्यूशन इट विल बी डाउन, देन ओनली वी कैन सफर दैट, दैट्स व्हाई। तो चलिए इस ऑड-इवन के दायरे में महिलाओं को दी गई छूट के बारे में महिलाओं से ही उनकी राय जानते हैं कि कितने हद तक महिलाओं को छूट देना सही होगा। ये सही भी है और ये गलत भी है, बट एक तरीके से बहुत गलत है, क्योंकि इसका गलत असर भी हो सकता है कि
लोग जेंट्स मेल बोलेंगे कि गलत है ये, उनको भेज देंगे, ट्रैफिक होगा। ये एक तरीके से केजरीवाल ने रूल सही बनाया है, इवन ऑड ये हर जगह लागू होना चाहिए और हर जगह लागू होना चाहिए। और ये छोटे छोटे बच्चे साइकिल लेके घूमते रोड पे, इससे इनको खतरा भी, इनके पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। तो ये थी ऑड इवन को लेकर जनता की राय, जिसमें लोगों का कहना है कि इसमें महिलाओं को और दोपहिया वाहन वालों को छूट देना काफ़ी हद तक सही नहीं है। एक तरह से जहां हम सामान्यता की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम महिलाओं को छूट दे रहे हैं। काम के लिए तो इंसान हर कोई निकलता है, इसमें महिलाओं को छूट देना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए ABC News। नमस्कार।